बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने एक बार फिर से केंद्र की सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने निशाने पर लिया है कि देश के अंदर जिस तरीके से पराली जलाने से धुआं प्रदूषित हुई है, दिल्ली NCR की जो आंकड़े सामने आ रहे हैं जिनके कारण विद्यालयों की छुट्टी भी करनी पड़ी है, उसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। BSP चीफ सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, नोटबंदी की आर्थिक इमरजेंसी के कारण आर्थिक मंदी की मार के रूप में देश पर छाई भीषण बेरोजगारी के बाद अब खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व लखनऊ में करोड़ों लोगों की सांसों पर संकट की मीडिया में व्यापक चर्चा है, लेकिन सरकार इस जन चिंता पर पूरे तौर से गंभीर नहीं है। ये बहुत ही बड़ी दुखद चिंता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे लिखा है कि वायु के अति प्रदूषित होने के कारण दिल्ली NCR में स्कूल आदि भी बंद कर देने पड़े हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांप्रदायिक माहौल के साथ साथ अब सामान्य आबो हवा भी शांति से जीने लायक नहीं बची है। केंद्र व राज्य सरकारें इस आपात स्थिति पर तत्काल समुचित ध्यान दें तो आपको बेहतर होगा। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषित चल रही है, इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है।